हाय ऑल, दिस इज माय न्यू ट्राइपॉड कैमरा शूटिंग। तो आज हम एक नया ट्राइपॉड मंगाया है कैमरा शूटिंग के लिए, और ये आप देख सकते हैं ये ट्राइपॉड है, और इसका आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और इसमें देखते हैं क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषता है इसमें। तो मैंने इसे परचेस किया है फ्लिपकार्ट से 999 में, यानी कि लगभग 1000 का ट्राइपॉड है, और देखते हैं इसके अंदर क्या है फटाफट। तो ये देखिए, तो ये रहा अंदर का, ये देखिए ये रहा ओसाका का ट्राइपॉड। इसमें देख सकते हैं OS 555 लाइट वेट ट्राइपॉड है, यानी कि आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी अपने हाथ में ले जा सकते हैं। वहाँ पे जैसे कि आप ट्रिप पे जाते हैं या कहीं आप किसी खास काम के लिए जाते हैं, तो शूटिंग करने के लिए वगैरह करने के लिए आप लोग इसे आराम से अपने हाथों में कैरी करके ले जा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा फीचर्स है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है 999 में, 1000 में। और चलिए इसके अंदर क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। ओ, ये रहा अंदर का, ये देखिए, ये इसके अंदर बहुत ही एक प्लास्टिक कैरी बैग दिया गया है, जो इसमें रखने के लिए ट्राइपॉड पर रखने के लिए दिया गया है। ये देख सकते हैं, इसे आप कहीं भी अपने हाथों में हैंग कर सकते हैं, अपने कंधों पे हैंग कर सकते हैं, और इसे कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर फटाफट देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये रहा हमारा ट्राइपॉड, ये देख लीजिए कितने सॉफ्ट प्लास्टिक में दिया गया है ट्राइपॉड। ये इसका पार्ट्स रहा, इसका यूज कहाँ होता है वो हम आज फिट करके भी बताएंगे, इसको कैसे फिट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको साइड करते हैं, और ये देखिए ये ट्राइपॉड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका हैंड हुआ। इसको आप कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं शूट करने के लिए, और ये क्या है लीकेज है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका एक अपना ये रेगुलेटर दिया गया है, उसको हार्ड करने के लिए, स्लो करने के लिए। ये देख सकते हैं इसका हार्ड और स्लो करने के लिए बहुत ही बेहतर रेगुलेटर दिया गया है, इसको हार्ड कर सकते हैं टेक करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये तीन बॉन्ड का ज्वाइंट है, इसको आप लंबा भी कर सकते हैं, और इसको जब यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा छोट करके देखते हैं, यहाँ पे इसका इतना और इसका इसका इतना, ठीक है। जिस तरह ये इतना बड़ा है, उसको इसको खोल कर हम इसको भी इतना बड़ा कर लेते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम लोग, 3 फुट है इसका, 3 फुट में सेम प्रोसेस है, उसको छोट छोट बड़ करने के लिए यहाँ पे, हाँ बड़ा छोटा करने के लिए। ये देखिए ये ट्राइपॉड हमारा खड़ा हो गया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़, चाहे कैमरा हो, चाहे आपका कुछ भी हो, कैमरा हो या कितना भी वेटफुल हो, उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, पुट आउट कर सकते हैं यहाँ पे। और देख लीजिए यहाँ पे ये इसको स्क्रॉल करने के लिए दिया गया है, इसको हम लोग हार्ड कर देंगे इतना पर, ठीक रहेगा। अगर इससे आप बड़ा भी चाहते हैं तो यहाँ पे इसको फुट पाइप को ओपन करके इसको फिर बंद करके फिर इसको काफ़ी बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग यहाँ पे, और क्या है ये देख लीजिए, ये क्या है, ये तो है इसका कस्टोमाइज करने का, कि कैसे वहाँ पे सीधा है या उल्टा है, उसको सीधा करने का, कस्टमाइज करने का। और ये यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, इसमें ये टूल्स का यूज कहाँ होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए ये है इस टूल्स को कहाँ यूज करते हैं हम लोग, ये देख लीजिए, इसको फाड़ देते हैं, बहुत ही हार्ड है। ये रहा हमारा, ये कैसे होगा,
यहाँ पे इसको इसमें सोट करेंगे, यहाँ पे इसको इसमें, यहाँ पे यहाँ पे ये हार्ड हो गया, हार्ड करके हार्ड हो गया यहाँ पे। और मोबाइल को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप अपने मोबाइल को क्या कर सकते हैं, फंसा सकते हैं। ये इसका दिया गया बर्नर, ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे बर्नर है यहाँ से दिया गया। इसमें आप अपने मोबाइल को बहुत ही कैरी से क्या कर सकते हैं, फंसा सकते हैं यहाँ पे। अगर इस टाइप वाले वीडियो को बनाना है, जैसे कि ऐसे 16:9 का बनाना है, तो आप यहाँ पे ऐसे इस रोटेशन को चुन सकते हैं, यहाँ पे इसको इसमें अपने मोबाइल को फंसा सकते हैं। अगर नहीं आपको ऐसे सीधा वाला बनाना है, तो इसको बिल्कुल, उसको हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको खोलकर, और यहाँ पे दिया गया है एक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी करके हम अपने वीडियो को शूट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ये कस्टोमाइज दिया गया है, ये कस्टोमाइज करने के लिए ये थोड़ा हार्ड है, धीरे धीरे ये स्लो हो जाएगा, ऐसे ऐसे किया जाता है, इसको फंसाएगा, ठीक है। तो ये रहा ट्राइपॉड ओसाका का 999 में, यानी कि 1000 का, बहुत ही बेहतर फीचर है। और बहुत ही, ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं, ये बहुत ही हार्ड है, प्लास्टिक नहीं है, हार्ड बेस का, ये हार्ड मटेरियल का दिया गया है, ये बहुत ही हार्ड है और छूने में काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं, इसको हम बंद कर लेते हैं, और जो वीडियो आप आएगा वो इसी ट्राइपॉड से शूट किया रहेगा। तो आपका दिन अच्छा हो, थैंक यू।